हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 49th पैरेलल इज बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। किन दो कंट्रीज के बीच में 49th पैरेलल बाउंड्री लाइन है? तो ये है USA एंड कनाडा के बीच में। द 49th पैरेलल इज यूज्ड एज एन इनफॉर्मल नेम फॉर द कनेडियन बॉर्डर विद द USA। Where was the first cement factory installed? First cement factory कहाँ पर install की गई थी? तो ये install की गई थी US में। Answer is D. Okay. Which among the following countries is the leading producer of phosphate fertilizer? Leading producer phosphate fertilizer क्या कौन सा है? तो ये है US. The US leading producer of rock phosphate in the world or exports about 2/3 of its production phosphate. Okay, 2/3 अपना production जो करता है उसको export भी करता है ये। US के बाद आता है number producers में Africa, then China, Middle East और Russia भी produce करते हैं। Which among the following statements is are correct about the taiga biome? Taiga biome के लिए correct statement पूछ रहा है कौन सा है? तो taiga is the largest land biome and it makes up to about 29% of world's forest cover. Yes, largest land biome है, 29% world forest cover को cover करता है। ये बिल्कुल ठीक statement है। The boreal forest occurs between 50 and 60 degree of north latitude. North latitude में 50 और 60 degree के बीच में है, ये statement भी correct है। Taiga is found in the northern parts of North America, Europe and Asia. Yes, North America, Europe और Asia में पाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें correct quote पूछ रहा है, तो सारे के सारे correct हैं। So the answer is what? 1, 2 and 3. Which among the following statement is are correct about soils? मिट्टी के लिए statement पूछ रहा है कौन सा correct है? The clay humus complex is essential for a fertile soil as it provides it with a high water and nutrient holding capacity. तो clay humus के पास ये सारी capacity होती है high water की और nutrient holding capacity की। ये statement correct है, बिल्कुल सही है। The humus in the soil, however, increase the risk of erosion. बिल्कुल गलत, increase नहीं, decrease करता है, क्योंकि humus act as a cement binding the soil particles together. Okay, तो ये reduce करेगा risk of erosion को, ना कि increase करेगा। तो ये statement गलत है। इसमें correct quote पूछ रहा है, so the answer is what? Answer is A, only one. Which among the following statement is are correct about the coastal climate of US? Coastal climate of US के लिए correct statement पूछ रहा है, तो देखते हैं। The eastern coast of US in the tropical zone is warmer than the western coast. तो eastern coast कह रहा है US का warmer है than the western coast, ये बिल्कुल correct statement है। Okay? The temperature along the California कोस्ट रिमेन्स रिलेटिवली लोअर ड्यू टू द कोल्ड कैलिफोर्निया करंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव। ओके, जो गल्फ स्ट्रीम होती है ना, वो गल्फ स्ट्रीम कीप्स द टेम्परेचर हायर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, इसी वजह से ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट जो होता है वार्मर होता है। Which ozone of ocean water does not receive adequate sun rays? तो कुछ कौन सा जोन होता है ओशन वाटर का जो सन रेज को रिसीव नहीं करता है? तो ये है एफोटिक। आंसर इज सी। एफोटिक जो होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2000 meter टू द ओशन बॉटम। ओके, और फोटिक या यूफोटिक जोन जो होता है ये एक्सटेंड फ्रॉम द अपर सरफेस टू 2000 meter। ओके, और इसी वजह से ये जो फोटिक जोन होता है ये रिसीव करता है एडिक्वेट सनराइज, मतलब सनरेज, और एफोटिक जोन नहीं करता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कॉल्ड? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। आंसर इज बी। ओके,
विच इज़ द स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री इन द वर्ल्ड? स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री इन वर्ल्ड की कौन सी है? तो ये है बहरेन, ये बहरेन आंसर इज ए, यहाँ पे है बहरेन. ओके, बहरेन इज द स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज अ सॉवरेन स्टेट इन द पर्शियन गल्फ. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स कंट्री? करेक्टली मैच्ड नहीं है कौन सा? तो सलामका ये स्पेन में है, ये बिल्कुल सही है. कांस इटली में नहीं है क्योंकि कांस है फ्रांस में, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो कनकुन मैक्सिको में है, ब्रुगेल्स बेल्जियम में है, तो इसमें नॉट पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी. Arrange the following statement in descending order of the percentage of urbanization as per 2011 census. तो urbanization का जो percentage है descending order में लगाना है. तो देखिए सबसे ज़्यादा गोवा में है, गोवा में है कुल 62.17%. ओके, गोवा में है. उसके बाद मिजोरम में है, मिजोरम में है 52.11%. उसके बाद आपका तमिलनाडु में है 48.40% एंड केरला में है 47.70%. ओके, तो आंसर क्या होगा? आंसर है 32.41. आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी. सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई ट्राइबल पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो सरहुल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में. सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड. इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. ओके, जब साल टी में न्यू फ्लावर आते हैं तब ये सेलिब्रेट किया जाता है. मंजीरा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर? तो ये रही आपकी मंजीरा और ये ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी की. आंसर इज डी. ओके, गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का एंड द गोदावरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट. बिजावर पन्ना प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? किस रीजन का पार्ट है बिजावर पन्ना प्लेटू? तो ये पार्ट है बुंदेलखंड का. आंसर इज बी. ओके, इट इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी में है. बखाली बीच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये बीच लोकेटेड है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में. ओके, और दिस प्लेस इज द प्लेस इज प्लेस ये किसके नाम पर रखा गया है? इनका नाम है एंड्रू फ्रेजर. एंड्रू फ्रेजर के नाम पर इसको फ्रेजर गंज नाम दिया गया है जहाँ पे ये बीच उपस्थित है. फ्रेजर गंज भी एक जगह है, वहाँ पे ये बीच उपस्थित है. Before the construction of cellular jail, the political prisoner were imprisoned in which of the following island of Andaman and Nicobar group? तो cellular jail बनने के पहले कौन से island पर prisoner को रखा जाता था? तो ये था Viper Island, ये है Viper Island. Okay, south Andaman में है. In which of the following areas कन्निकरण एंड यूरवा ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया? कन्निकरण एंड यूरवा ट्राइब्स कहाँ पे हैं? तो ये साउथ इंडिया में है. आंसर इज डी. ओके, साउथ इंडिया में केरला एंड तमिलनाडु में ये देखने को मिलते हैं और यूरवा जो है वो मेनली तमिलनाडु पे मिलते हैं. विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? दूसरा है हमारा प्यारा भारत और पहले नंबर पे है कौन सा? चाइना. हाल ही में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाला सबसे कम उम्र का पैरा तैराक कौन बन गया है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट पैरा स्विमर टू सक्सेसफुली क्रॉस द इंग्लिश चैनल? तो इंग्लिश चैनल को पार किया है जिया राय ने और ये मात्र 16 वर्ष के हैं. विच इज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है कौन सा? राजस्थान. आंसर इज ए.
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.